गाजीपुर के जवानिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस को छापेमारी में मकान के अंदर रखी शराब की 697 बोतलें मिली है। पुलिस ने मौके पर से दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को मौके पर से स्क्रिप्ट और विभिन्न शराब कंपनियों के रैपर भी मिले हैं। आशंका है कि पकड़े गए बदमाश शराब के जखीरे को बिहार ले जाने की फिराक में थे। पुलिस अफसरों को शक है कि गिरफ्तार बदमाश अवैध तरीके से शराब बनाकर बोतलों में विभिन्न शराब कंपनियों के रैपर लगाकर बेचने का धंधा कर रहे थे। पुलिस गिरफ्तार बदमाशों के बाकी नेटवर्क की तलाश कर रही है। एबी 100 के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। चलिए सर, रुका भैया बैठा तो बताओ तो नहीं छह नंबर की गाड़ी हमारी दो लोग अरेस्ट हुए हैं। ये मुख्यतः इनपुट हमारे क्राइम ब्रांच और थाना जमीनिया के पास थी, जिसमें धर्मवीर सिंह, तेज बहादुर सिंह और मिस्टर गौतम सिंह जो इंस्पेक्टर हैं, उनकी विशेष भूमिका रही। इसमें कुल 697 फुल जो शराब की बोतलें मिला हुआ है। सारे के सारे जो बोला जाता है कॉमन पार्टनर्स में इंग्लिश शराब है और ये शायद सबके सब नकली हैं, क्योंकि सबके ऊपर अलग टाइप के रैपर लगा हुआ था। जो रैप इनफैक्ट हमें खाली रैपर, ढक्कन ये सब भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये शायद यहाँ पर बनाते भी हों और कुछ कुछ ब्रांड्स के जो रैपर्स हैं उसको बदल देते हैं। इसमें और भी एक चीज़ जो ऐड करना था वो ये था, इसमें कुछ प्योर स्प्रिट्स भी मिले हैं जिनको शायद डाइल्यूट करके वाटर के साथ फिर लोग बॉटलिंग कर लेते थे एज नॉर्मल लिक्वायर। तो इसमें और भी कुछ जानकारी की हमें आशा है, हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी लिंक्स है इसको हम कोशिश करेंगे जल्द से निकालने के लिए। अच्छा, एक साथ और बात, मोस्टली ये जो शराब थी ये गाजीपुर से टीवी 100 के लिए अभिषेक सिंह के लिए इस्तेमाल होता था।